थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। हम लोग ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, याद है? जब स्क्वायर रेक्टेंगल किसी भी चीज की बात करो तो ये देखते हैं कि कितनी एरिया उस पर पोत सकते हैं या यूज कर सकते हैं। पर जब ठोस पदार्थ लें, ठोस पदार्थ कैसे हो सकते हैं? जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गए, जैसे ये देखिए लकड़ी का ऑप्शन, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ठोस पदार्थ हो गया। जब ठोस पदार्थ को अगर हम लोग लें तो ये कितनी जगह लेता है वो इसका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन या वॉल्यूम, ठीक है। ठोस पदार्थ कुछ जगह लेता है, हम लोग खुद में ठोस पदार्थ हैं, कुछ जगह ले रहे हैं, जब बैठ रहे हैं तो कुछ जगह ले रहे हैं, कुछ चौड़ाई में ले रहे हैं, कुछ लंबाई में ले रहे हैं, कुछ ऊंचाई में ले रहे हैं, ठीक है। जैसे इस कमरे को ले लें, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये एक जगह लिया हुआ है, ठीक है। तो इस अगर इस पूरी जगह के बारे में मालूम पड़ जाए कितनी जगह घेरी हुई है तो वो उसका क्या हो जाएगा? आयतन, ठीक है। अब देखते हैं कि कौवे की कहानी सुनी, कौवे की, मिस्टर क्रो की, मिस्टर क्रो की कहानी सुनी है ना? एक बार वो बहुत प्यासे थे तो मटके में पानी बहुत थोड़ा सा था, तो उन्होंने क्या किया? कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई ठोस पदार्थ डाला तो उसने कुछ जगह घेरी, जब कुछ जगह घेरी तो पानी क्या आ गया? ऊपर। फिर दूसरा ठोस पदार्थ डाला, उसने कुछ जगह घेरी और पानी ऐसे ऊपर आता रहा। कैसे आ रहा था? ये जैसे हम लोगों ने लिया, इतना लिया है, ठीक है, इसके अंदर ये डाला, थोड़ा जगह घेरता जाएगा, इसके अंदर हम लोग दूसरा जा देंगे और जगह घेर रहा है, तीसरा डालेंगे और चौथा डालेंगे और पानी ऊपर चला आ रहा, पांचवा डाला। अब देखिए ये ठोस पदार्थ क्या कर रहे हैं? जगह घेर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो क्या करता है? कुछ जगह घेर रहा होता है, और वो जितनी जगह घेरता है वो कहलाती है उसका आयतन, ठीक है। क्या कहलाएगी? उसका आयतन। अब कई प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ सीधे होते हैं देखने में। जैसे कि ये ले लें, इसमें देखिए जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ही ऊंचाई गहराई, ठीक है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई गहराई या ऊंचाई आप कह दें सब क्या है? बराबर। जब ऐसी टाइप की कोई चीज हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? घन या घन। स्क्वायर होता है ना, ये जो एक हिस्सा है ये वर्ग है, ठीक है। जब ये पूरा हो गया लंबाई चौड़ाई गहराई तो क्या कहलाए? घन या क्यूब, घन या क्यूब। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऐसे टाइप का चीज हो, लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, इस तरह के ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? घन या क्यूब, ठीक है, घन या क्यूब। अब इस डब्बे को ले लो, लंबाई चौड़ाई कुछ अलग अलग लग रही है, ऊंचाई तो बहुत ही अलग है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो तो उसे क्या कहेंगे? घनाभ। क्या कहेंगे? घनाभ। तो इसमें लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, कोई हो सकता है दो बराबर हो पर तीनों बराबर नहीं होंगे। कैसे? ऐसे ले ले, मिठाई का डब्बा, संदूक, कमरा, कमरे की लंबाई क्या चौड़ाई के बराबर है? लंबाई चौड़ाई बराबर है, देखो गौर से देखो, लग रहा
लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है और ऊंचाई भी अलग है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब अलग हो तो क्या होगा, घनाभ। तो ये कमरा कैसा है, घनाभ की तरह है, इसको हम लोग घनाभ कहेंगे या क्यूबॉइड। क्या कहेंगे, क्यूबॉइड। जब सब चीज एक जैसी हो तो क्यूब, अलग हो तो क्यूबॉइड, एक जैसा हो तो घन, अलग जैसा हो तो घनाभ। ठीक है, अब गौर से देखिए तो ये छोटे छोटे घन से हम पूरे एक घनाभ को बना सकते हैं। देखो एक क्या है, घन। मान लो इसकी जो है हर साइड एक सेंटीमीटर की है, एक सेंटीमीटर लंबाई, एक सेंटीमीटर चौड़ाई, एक सेंटीमीटर गहराई, ठीक है, या ऊंचाई, दो को छोड़ दिए। अब ये देखो घनाभ बन गया, ठीक है। दो सेंटीमीटर की लंबाई, एक सेंटीमीटर की चौड़ाई और एक सेंटीमीटर की गहराई, ठीक है, करके देखो, मिला के देखो दोनों, क्या होता जा रहा है। अब देखिए कई मैंने आप लोग को दे दिए हैं, आपस में ले लिए। देखिए दो मिलाया तो एक तरह का घनाभ बन गया, तीन मिलाया फिर एक घनाभ, चार मिलाया फिर एक घनाभ बन गया, ऐसे बना सकते थे, ठीक है। और कैसे बना सकते, इसको ऐसे रख सकते, कैसे ले सकते, हर तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बदलेगी नहीं। अब अगर इसके बारे में हमें फाइंड करना हो, पता करना हो कि ये कितनी जगह घेरता है, तो मालूम पड़ गया कि ये घन है और घन से हम लोग घनाभ बना सकते हैं, पर ये कितनी जगह घेरता है कैसे मालूम पड़ेगा। चलो देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मालूम है, तो इसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन यानी कितनी जगह ये घेर रहा है, इसको हम लोग वॉल्यूम भी कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉल्यूम। और बड़ा ही आसान तरीका है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तीनों को गुणा कर दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा कर दो। घन में तो तीनों इक्वल ही होते हैं, जो लंबाई वही चौड़ाई वही ऊंचाई, तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, तीन बार L को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितने का है, एक एक सेंटीमीटर का ना, तो इसका कितना होगा वॉल्यूम, एक सेंटीमीटर इंटू एक सेंटीमीटर इंटू एक सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एक सेंटीमीटर क्यूब। गॉस से अगर याद करो तो जब हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे थे, रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, यानी वर्ग की बात कर रहे थे, तब हम लोग का क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था ना, जब भी यूनिट आती थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे टाइप की आती थी, क्यों, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होती थी। यहां पे क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन चीजें हैं, तो तीन बार सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी कभी हम किसी ठोस पदार्थ के जो है बारे में पता करेंगे कि इसका कितना जगह घेरता है, आएगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, तीन चीजें आएंगी ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, तो ये तीन चीजें आएंगी उस। अब कोई भी चीज अगर हम लोग लें तो ये इनसे ही बनी होती है। जैसे हम लोग ने लिया ये एक घनाभ है, ठीक है, ये क्या है, घनाभ है। इस घनाभ का अगर हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना हो, फॉर्मूला यही है, दोनों निकाल सकते हो, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों एक ही तरीके से, बस बराबर है या अलग अलग है, फर्क यही है। तो अगर हमें इसका निकालना हो, लंबाई कितनी लग रही है आप लोग को, दो सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, एक सेंटीमीटर,
गहराई कितनी है? एक सेंटीमीटर। कितना आया? 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 × 1 × 1 = 2। सेंटीमीटर 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 क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब। घन कितने का था? 3। 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनाभ कितने का आया? 2। कितने से बना ये? 2 घन से बना ना, तो 2 घन से बना तो 2 सेंटीमीटर क्यूब। 3 सेंटीमीटर क्यूब। 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चाहे ऐसे रखो चाहे और रखो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, कितने? 6। तो इसका घनाभ का कितना आयतन आएगा? 6। कितने हैं? 6। तो घनाभ का आयतन कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब एक किसी भी घन का मालूम हो तो घनाभ उन्हीं से बन के निकलते हैं, सबका मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी भी डब्बे को किसी भी जगह का मालूम करना हो कि ये डब्बा कितनी जगह घेरता है, तो इसके अंदर ये डालना चालू कर दो। ठीक है, हमने एक एक डालना चालू किया। ठीक है, अब ये देखें, 6 का आया और ये इतनी सी जगह हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हल्का सा काट के 2 और लगा सकते हैं। कितने आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1.5 और आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7.5। ठीक है, तो 7.5 इसकी एरिया हो जाएगी। तो किसी भी चीज को निकालने के लिए जो मिनिमम यूनिट होती है वो क्या होती है? एक घन, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक घन। इससे ही सब बना सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर बड़े बड़े डब्बे होते, जैसे टीवी के डब्बे आते हैं, तो टीवी के डब्बों से ही हम कमरा भर सकते हैं। एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, ऐसे ही तो टीवी का स्टोर रूम कहीं होता होगा, कहीं ना कहीं ऐसे होते होंगे। तो अगर मान लो इस कमरे की हमें एरिया निकालनी है और हमें एक तरह के डब्बे हैं, तो डब्बे लगा के देखते जाओ, एक डब्बे का एरिया वॉल्यूम मालूम हो गया तो पूरे कमरे का जितने डब्बे हैं मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आपके पास। ठीक है, तो आयतन में हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? घन या क्यूब पढ़ा, घनाभ या क्यूबॉइड पढ़ा। घन में क्या था? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक जैसे थे, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी थी। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होगी, कोई ना कोई अलग जरूर होगी। इसका आयतन या वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है? तीनों को बस गुणा कर देना, चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो। ये निकालोगे तो अपने आप ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये निकालोगे तो कोई ना कोई अलग होगा ही। ठीक है, चलो एक मान लो ये कागज हमने लिया। ठीक है, इस कागज से कुछ चीजें बनाने का मन कर रहा, क्या बना सकते हैं इसे? हम चाहें तो जैसे मिठाई का एक डब्बा बनता है वैसे बना सकते हैं, देखने में जैसे क्या लगेगा, ठोस पदार्थ है इसका। या इसको हम गोल कर सकते हैं। ठीक है, गोल कर देंगे तो कैसा बन जाएगा? एक सिलेंडर की तरह। ठीक है, गोल करेंगे तो एक सिलेंडर की तरह बन जाएगा। अब इसके अंदर कुछ सामान भरा जा सकता है। ठीक है, कुछ सामान भर सकते हैं गोल करके। अब गोलाई देखिए, ऐसे भी गोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, वरना ऐसे भी गोल कर सकते हैं, लंबाई में गोल कर दिया। तो किसी कागज को गोल करके हम लोग क्या बना सकते हैं? सिलेंडर बना सकते हैं। चौड़ाई में गोल किया तो ऐसा बना, लंबाई में गोल किया तो ऐसा बना। अच्छा देखें कि किसमें ज्यादा जगह होगी, किसका आयतन ज्यादा होगा,
बराबर होगा। पक्का? चलो देखते हैं, ठीक है। पहले कौन सा देखें? लंबे वाला। चलो लंबा वाला देखते हैं। मेरी मदद के लिए कोई आ जाओ। साइड में हो जाओ बेटा। चलो हम लोग डाल के देखते हैं कि कौन ज्यादा जगह घेरता है। चलो इतना इसमें दाल आ गई, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब वापस पहले इसमें डाल दें। अच्छा चलो इसमें चेक करते हैं। गजब, अभी भी बचा हुआ है। मोटे वाले में और डालना पड़ेगा। देखो मोटे वाले में और डालना पड़ रहा है, और डालना पड़ेगा। और डालना पड़ेगा, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग ने इस तरह से घुमाया तो दूसरा ज्यादा आयतन हो गया। तो किसी भी चीज को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए कागज देखने में लग रहा था कि कागज तो हमारा एक ही जैसा है, ऐसे घुमाएंगे तो भी उतनी ही जगह घेरना चाहिए, वैसे घुमाएंगे तो भी उतनी ही जगह घेरना चाहिए। पर देखिए अलग अलग आया। तो जब भी कोई चीज आपको दी है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि आपको कम, मान लीजिए छोटी जगह घेरने वाली चीज बनानी है, तो हमेशा उसको ऐसे घुमाओगे, चौड़ाई के साइड से घुमाना, ठीक है। चौड़ाई के साइड से घुमाओ यानी लंबाई को बढ़ाओ, ठीक है। तो चीजें कम जगह घेरेंगी। बट अगर तुमने लंबाई के साइड से घुमाया तो चीजें ज्यादा जगह घेरेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, एक जैसी लगती चीजें भी कोई कम जगह घेरती है, कोई ज्यादा जगह घेरती है, और कई बार अलग अलग लगती चीजें भी एक जैसी जगह घेरती हैं। अलग अलग लगती चीजें देखे कौन एक 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 जैसी जगह घेरती है। ये देख रहे हैं, ये है पिपेट। इसमें 25 मिलीलीटर तक आता है। कितना? पहले देखते हैं ये मिलीलीटर है क्या। लीटर सुना है ना, क्या कैसे? जब दूध दूध वाला आता है या तेल लेने जाते हैं तो तुरंत निकालता है और डालता है, ठीक है। एक से निकाला दूसरे में डाला, देखते हैं कि भैया क्या होता है उससे। आपकी जब दूध लेने आए एक लीटर मत मांगो, एक लीटर 1000 मिलीलीटर भी होता है, ठीक है। तो आपकी जो है दूध लेने आए तो कहना मुझे 1000 मिलीलीटर दो, सुन के ही डर जाएगा। पर एक लीटर किससे बना होता है? 1000 मिलीलीटर से बना होता है। एक लीटर तो वही बात नहीं है, देखते हो बड़े आराम से होता है। ये कितना है? 25 मिलीलीटर। अगर इससे दूध नापना चालू करें तो नापते ही, इसको नापते कैसे मालूम? ऊपर से डालेंगे नीचे से निकल जाएगा। इसको इसके अंदर डालिए, ज्यादा नहीं,
यहां तक हम जैसे भरेंगे ये यहां तक 25 मिलीलीटर आएगा। थोड़ा कम भर दिया मैंने, ये है 25 मिलीलीटर। अब देखो इस 25 मिलीलीटर को वन आगे जाएगा, ये हमारा कितना है 50 मिलीलीटर है, ये कितना है 50 मिलीलीटर, इसके अंदर डाल दे। हवा का दबाव, ठीक है, पहले मैंने हवा के दबाव को रोक लिया था। कितना हो गया 25 मिलीलीटर, 25 और 25 मिला के कितना बना 50। देखते हैं आता है कि नहीं, बचा। क्यों बचा? ये रीडिंग देखो यहां से चालू होती है, तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा था वो हल्का सा बच गया, ठीक है। अब ये कितना है 50। अगर इसी 50 को हम इसके अंदर डाले तो इसको बेटा पलट दो, इसको बस पलट दो, इसमें इसमें देखो अलग अलग तरह की चीजें हैं पर एक जैसा जो है आना चाहिए। ये देखिए ये कितने का है 100 का, इसमें कितने कितने हैं, इसमें 75, ठीक है। अब डाल के देखते हैं, डालने में जो भी गड़बड़ी हुई होगी तुरंत यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ जाएगी। देखिए गौर से, देखिए गौर से, देखिए बिल्कुल सही 50। अब देखिए ये चौड़ाई में था वो लंबाई में था, पर जगह घेरने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कोई इस तरह का ठोस पदार्थ होता है जैसे ये चौड़ाई में है, ये लंबाई में था, ये कुछ अपनी ही दुनिया का वासी था, यहाँ पे पतला था, यहाँ पे मोटा था, फिर ठीक है यहाँ पे इसकी तोन निकली हुई थी, खाते पीते घर का था। ये देख लीजिए, इसको भी हम लोग मेजर करने के लिए लेते हैं 25। ये 250, यहां तक 250। इस तरीके से नापने वाले होते हैं, जैसे ये हमारा कितना है 200 मिलीलीटर वाला होता है। तो हम ये नापने वाले किस यूज करते हैं, जैसे मान लो हमें 1 लीटर बनाना है तो ये 200 के कितने डालेंगे, 200 के 5 डालेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी 1 लीटर हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे 50 करना था तो हम लोगों ने 25 के कितने डाले, 2 डाले, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कितना है 250 है, ठीक है, ये हमारा कितना है 50 है, 50 के कितने डालेंगे 5। अभी ऐसे हमें कितने डालने पड़ेंगे, 1 डाल दिया, 4 और डालने हैं। ये जो जगह घेर रहा है
ये धारिता भी कहलाता है। क्या कहलाएगा? धारिता। 200 कितना हम लोगों ने डाल दिया? 3 यानी 150। अब हल्का सा ज्यादा हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 250। 5 बार डाले, 50 50 50 50, तो यहाँ तक कितना आया? 250। ठीक है, ये यहाँ तक नहीं बढ़ता, ये यहाँ तक नहीं बढ़ता, यहाँ तक थोड़ा सा कम इसलिए हुआ है कि हम लोग ने डालने में थोड़ा सा इसमें रह गया है, थोड़ा सा डालने में गिर गया है। ठीक है, तो अगर इसको पूरे तरीके से डालोगे, देखो अब देखो पूरा कर लेते हैं, चलो जो गिरा रहा हल्का सा पूरा कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 250। अब देखो अलग अलग तरह की चीजें नहीं है, ये देखो ऐसा गोल सा है, ये कोन जैसा है, शंकु की तरह कोन, कोन कभी इसमें कोन क्या आइसक्रीम कोन देखा है कैसा होता है, कैसा होता है, किसी भी चीज से बना सकते हैं। ये जैसे मान लो देखो बना दिया, ये बर्थडे कैप होती थी ना, कोन सर पे लगाया, तो कई तरह की चीजें होती हैं। देखो ठोस पदार्थों में हम लोगों ने कौन कौन से देखे, ये देखो घन हो गया, घनाभ हो गए, ये हम लोग ने देखा शंकु भी, इसके अंदर डालोगे लैया चना खा सकते हैं, तो कितनी जगह लेगा वो उसके कोन पे डिपेंड करेगा कि कितना आयतन लेता है। फिर हम लोग ने ये देख लिया कि पानी में धारिता भी अलग 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 तरह की चीजें हो सकती है, जैसे ये देखो ये 250 तक नाप सकता है और ये भी 250 तक नाप सकता है। अब ये देखिए ये 250, ये भी 250, देखने में कितना अलग लग रहा है ना, ये खाली यहां तक वो वहां तक। हो गया, देखिए देखने में चीजें कई बार ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है कि ये कितना छोटा सा है, वो कितना लंबा सा है, पर ऐसे ही मालूम पड़ता है कि गहराई कैसे आ रही है। तो इसके लिए हम कुछ खास चीजों का यूज कर लेते हैं कि कौन कितने का है, जैसे नापने का है। अब देखो अलग अलग तरह की चीजें देखी, अब इसमें कौन कौन सी चीजें, घन देखा, घनाभ देखा, ऐसे धारिता वाली चीजें देखी, और कुछ ठोस पदार्थ बता सकते हो? गोल, ठीक है, गोलाकार चीजें, ऐसी कौन सी एक चीज, ये तो देखिए, पर एक चीज तुम लोगों ने और पढ़ी हुई है जो गोल सी होती है, दुनिया गोल है, ठीक है, दुनिया गोल है। अब ये कैसे बने, ये हम लोग के बेलनकार या सिलेंडर बने, बेलन जैसे बने हैं, ठीक है, तो कई तरह की चीजें हो सकती हैं और विभिन्न प्रकार से ये जगहें घेरती हैं, ये अपनी तरीके से जगह घेरती है, वो अपने तरीके से जगह घेरती है, तो हम लोग अगर आपस में भी एक दूसरे को पता कर सकते हैं कि कौन किस तरीके से जगह घेरती है, और देखने में अलग अलग प्रतीत होती चीजें भी एक तरह की जगह घेरती है, ये भी हम लोग ने देख लिया कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कुछ चीजों की मदद
से सामान भर के जैसे भी, कि कौन सी चीज ज्यादा जगह घेरती है। एक कागज का टुकड़ा दे दिया आपको, डब्बा बनाना है या ऐसे बेलन टाइप का बनाना है, ज्यादा जगह घेरने वाला बनाना है ऐसे बना दिया, कम जगह घेरने वाला बनाना है ऐसे बना दिया। तो हम लोग को, आप जैसे मान लो कोई कमरा बनाना, सोचना है कि इतने लोग को बैठना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा ना एक आदमी कितनी जगह घेरता है। तो हमें मान लीजिए 100 लोग के बैठने का कमरा बनाना है, हमने पता कर लिया कि एक आदमी 2 मीटर स्क्वायर मान लो जगह घेरता है, कितनी 2 मीटर स्क्वायर, खाते पीते करके ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है, 100 लोग कितना हो गया 200 मीटर क्यूब, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है जगह घेर लेगा। ठीक है, करेंगे घर में जाके ट्राई करना, बाल्टी भरना, ये भरना, ये दूसरी चीज भरना, ठीक है।